integration of the type, integration of the type x square plus minus a square upon k into x square plus a की पावर 4। अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, तो इसमें हमें पुट करना है क्या, आइदर x प्लस माइनस a स्क्वायर बाय x की जगह पे, या तो प्लस की जगह पे या माइनस की जगह पे t पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। अगर x प्लस a स्क्वायर बाय x की जगह पे t पुट करेंगे या x माइनस a स्क्वायर बाय x की जगह पे t पुट करेंगे एंड उसके बाद आगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, ये एक जनरल फॉर्म है। तो जनरली मेरे ख्याल से यहाँ पे x square plus minus 1 होता है, तो x plus 1 by x की जगह पे या x minus 1 by x की जगह पे भी पुट कर दे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे a की पावर 4 और यहाँ पे a square भी आ सकता है। तो उस केस के लिए मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाए बस वो किस फॉर्म का होना चाहिए, a की पावर 4। इस टाइप का एक एग्जाम्पल है x square plus 1 upon x की पावर 4 plus x square प्लस 1, इसको हमें अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहां से तुम क्या कर लो x स्क्वायर को 12 ले लो, उससे पता चल जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं हम। x स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया तो यहां पे बचा रहता है 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, एंड नीचे से भी x स्क्वायर 12 ले लो तो वो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसके नीचे एक x square आएगा तो 1 by x square plus 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि किसका differentiation होता है, ये differentiation किसका होगा, x plus 1 by x का होगा या x minus 1 by x का, x minus 1 by x का differentiation होगा, ठीक है, ये x minus 1 by x का differentiation होगा। तो हमें नीचे क्या बनाना है, x minus 1 by x वाला form बनाना है। तो यहाँ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, माइनस 2 करने से क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2, वो किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 बाय x का स्क्वायर है, एंड प्लस 2 कर दिया तो वो आ जाएगा प्लस 3 dx। अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन इज x माइनस 1 बाय x की जगह पे t, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 plus 1 by x square dx is equal to dt आ गया। उसके बाद अब ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये t square plus 3 बन गया। अब ये तो क्या आ जाता है, 1 by root 3 tan inverse t by root 3 plus c, and t की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब वो हिंट यहाँ से रखती किसकी जगह पे टी पुट करना है, यहाँ से x square common ले, तो यहाँ पे आइदर क्या बनेगा, 1 plus 1 by x square बनेगा या 1 minus 1 by x square बनेगा। अगर 1 minus 1 by x square बनता तो x plus 1 by x की जगह पे टी, यहाँ पे बन रहा है 1 plus 1 by x square तो x minus 1 by x की जगह पे टी, लेकिन नीचे वो फॉर्म हमें लाना पड़ेगा। इसको हम ये x square plus 1 by x को हम x plus 1 by x का square भी बना सकते हैं, x minus 1 by x का square भी बना सकते हैं, ठीक है।
सही यहाँ सी है। और यहाँ देखो हमें क्या बनाना था, x माइनस वन बाय एक्स चाहिए क्योंकि उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। तो यहाँ हमने किया ये x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है, इसमें माइनस टू किया एंड प्लस टू प्लस वन। तो ये जो चीज आती है ना, ये x माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर। अगर हमें इसको x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर बनाना था तो प्लस टू इसके साथ देते फिर माइनस बना देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ये तीन एग्जांपल है, इसको सॉल्व करो जल्दी। सर आपका माइक ऑफ। ठीक है, आ रही ना? हाँ सर। यहाँ पे ऊपर नीचे हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर नीचे से x स्क्वायर बाहर ले लिया दोनों dx। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन आता है ये होता है x प्लस वन बाय x का डिफरेंशिएशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी x प्लस वन बाय x लाना पड़ेगा। तो ये जो 3 था उसको हमने कैसे लिखा, 2 प्लस 1। तो वो 2 जो आएगा वो इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बाय x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे x प्लस 1 बाय x की जगह पे t, तो ये 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स t, कुछ कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस c, ठीक है। अगले में आओ,
ऊपर में तो कुछ है ही ऊपर में, ये हम ला सकते हैं x square minus 1 and x square plus 1 ला सकते हैं, ये चीज यहाँ पे सोचनी थी। तो जो सेकेंड था, सेकेंड में ये करना था, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, एंड ऊपर में जो न्यूमरेटर में 2 आ रहा था उसको ऐसे लिखना था, x square plus 1 minus x square minus 1, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाता ये x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये उस फॉर्म में, दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में लिखो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस एंड x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, और इसको सॉल्व करो। ये भी हो गया, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा था, तो यहाँ पे सेकंड देखो, अब सेकंड में ऊपर में तो कांस्टेंट था, तो उस कांस्टेंट की जगह पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम ये ला सकते थे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4x square plus 1, ठीक है। अब इसको दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, तो ये x square plus 1 upon 4x square plus 1 dx and minus ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से x square से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये 1 by 2, तो पहले वाले इंटीग्रेशन में बचेगा 1 plus 1 by x square, एंड दूसरे में आ जाएगा x square plus 1 by x square plus 4 dx minus, यहां पे आ जाएगा 1 minus 1 by x square plus 1 by x square plus 4 dx, ठीक है। अब यहां पे क्या लाना पड़ेगा हमें, x minus 1 by x, और यहाँ पे x plus 1 by x, ठीक। तो इसमें ये 1 plus 1 by x square को minus 2 plus 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x minus 1 by x का square plus 6 dx minus, अब यहाँ पे plus 2 minus 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा x plus 1 by x का square
प्लस टू डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वन बाय x की जगह पे t, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है नहीं करेंगे उसको, एंड यहाँ पे x प्लस वन बाय x की जगह पे z, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे माइनस dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2, तो दोनों में tan इनवर्स आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाय रूट 6 टाइम tan इनवर्स t अपॉन रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स z अपॉन रूट 2 प्लस c, और फिर उसके बाद t एंड z की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड का, जब ऊपर में कुछ भी नहीं था तब भी हम उसको ला सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को इन दोनों के सम के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ वहां पे 2x स्क्वायर होता ऊपर, यहां पे मान लो 2x स्क्वायर होता, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसमें इसको ऐसे लिखते हैं ना हम, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, अगर सिर्फ यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे, फिर उस फॉर्म में यहाँ पे बस माइनस की जगह पे क्या आ जाता, हर जगह प्लस आ जाता, एंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अगले में अब यहाँ पे a की पावर 4 और x स्क्वायर इस टाइप का है, 1 नहीं होगा हर बार, ऐसा भी कुछ आ सकता है, तो ये a की पावर 4 है, ये a स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, या तो x प्लस a स्क्वायर बाय x की जगह पे t, या x माइनस a स्क्वायर बाय x की जगह पे t, वो तो जब हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस 4 बाय x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 16 बाय x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो यहां से हमें पता चलता है कि x प्लस 4 बाय x की जगह पे t पुट करना है, ताकि जब उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो नीचे में हमें वो लाना पड़ेगा पहले, तो क्या ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक ऐड एंड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे x प्लस 4 बाय x का स्क्वायर ऐड किया था माइनस करने पे वो क्या आ जाएगा माइनस 6, ठीक है, अब यहां पे x प्लस 4 बाय x की जगह पे t, तो ये 1 माइनस 4 बाय x स्क्वायर dx is equal to dt आ जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dt और ये t square minus 6 और इसका रिजल्ट होता है 1 upon 2 a, तो a तो root 6 है, तो 2 root 6 ln t minus root 6 upon t plus root 6 plus 6, अब t के वैल्यू पुट कर, ठीक है, इधर ऑनलाइन क्लियर है, यस, नेक्स्ट टाइप देखो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप
मतलब ऐसे बड़ी बड़ी पावर्स रहेगी इसे एग्जांपल में और भी आ सकते हैं, लेकिन ये दो कॉमन होते हैं हमारे में, जैसा x की पावर है यहाँ पे, इसकी पावर पे वन है, इरेशनल पावर हो गया, कुछ डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये टाइप में जो भी बताने वाला होगा एप्लीकेबल रहेगा। इसमें क्या करना होता है, यहाँ से x की पावर n को कॉमन लेना होता है, ये जो है ना इसमें से x की पावर n को कॉमन लेना होता है टेक x की पावर n कॉमन एंड देन पुट 1 प्लस x की पावर माइनस n, क्योंकि अगर यहाँ से x की पावर n बाहर ले लिया तो अंदर में क्या बचा रहेगा, एक बचा रहेगा 1 प्लस x की पावर माइनस n बचा रहेगा, तो इसकी जगह पे पुट करना होता है t, देन पुट 1 प्लस x की पावर माइनस n as t, तो वो अपने आप उसका डिफरेंशिएशन वहां पे प्रेजेंट रहेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देख लो यहाँ से तुम अगर x की पावर n को बाहर ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, अंदर में बचा रहेगा 1 प्लस x की पावर माइनस n, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n बाहर है, तो जब x की पावर n बाहर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर माइनस n यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये अगर हमने इसकी जगह पे t पुट किया तो ये माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1 dx is equal to dt, तो यहाँ से dx upon x की पावर n plus 1 माइनस dt by n आ जाएगा, ये देखो इसकी जगह पे ये और ये t बन जाएगा, तो ln t आंसर आ जाएगा, उसमें t की पावर 1 by n रहेगा, वो ऊपर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा x की पावर n की तरह, माइनस का हां माइनस का ये करना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, dx upon पहला हो गया, दूसरा
ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो पहला बहुत आसान है, एक्स की पावर फाइव बार, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन ये एक्स की पावर सिक्स, ये वन प्लस एक्स की पावर माइनस फाइव, तो इसकी जगह पे टी पुट कर देंगे, तो ये माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय फाइव, पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस डी टी बाय फाइव टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाय फाइव इंटू एल एन टी मॉड टी प्लस सी, तो माइनस वन बाय फाइव इंटू एल एन मॉड वन प्लस एक्स की पावर माइनस फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड में भी एक्स की पावर थ्री कॉमन लेना है, बाहर लेना है, तो वहां से एक्स की पावर थ्री जब बाहर आएगा तो डी एक्स बाहर में एक्स की पावर फोर बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर में वन बाय थ्री था, तो एक्स की पावर थ्री बाहर आएगा तो एक्स वन के बाहर आएगा, तो यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री की पावर में वन बाय थ्री, तो इसकी जगह पे टी सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री की जगह पे टी, तो माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई थ्री, ये आ जाएगा। अब वो पूरा इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट कर देंगे तो डी टी बाई थ्री ये टी की पावर में वन बाई थ्री, तो यहाँ से माइनस वन बाई थ्री टी की पावर में, अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई थ्री था, तो माइनस वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन प्लस वन, तो ये माइनस वन बाई टू टी की पावर में टू बाई थ्री प्लस सी, टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी था, ठीक है। अगले वाले में क्या करना है, क्या कॉमन लेंगे, x टू दी पावर 7 बाहर ले लेंगे, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बाहर में हमें दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था उसमें x की पावर 7 को बाहर ले लेंगे तो वो क्या बन के बाहर आएगा, x टू दी पावर 6 बन के बाहर आएगा, क्योंकि वो पावर उसमें 6 बाय 7 तो 7 7 गया, तो बाहर में बन जाएगा x की पावर 8, यहाँ पे 1 प्लस x की पावर माइनस 7 की पावर में 6 बाय 7, तो इसका डिफरेंशिएशन बाहर में है तो इसकी जगह पे टी, तो ये माइनस सेवन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एट इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एट इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय सेवन, तो ये इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाय सेवन टी की पावर में सिक्स बाय सेवन, तो माइनस वन बाय सेवन ये t की पावर में माइनस सिक्स बाय सेवन प्लस वन अपॉन माइनस सिक्स बाय सेवन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा, सेवन सेवन गया, तो यहाँ से माइनस ये t की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ t की पावर में वन बाय सेवन बचा रहता है, तो ये इसका आंसर है, और t क्या था, t था उसको प्रूफ करने के लिए। यहाँ इधर क्लियर है ऑनलाइन? हाँ सर, ठीक है। अगला लिखो आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x की पावर 1 बाय 3, फिर उसके बाद 1 प्लस x की पावर 4 बाय 3 की पावर में 1 बाय 7 dx, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हर बार कॉमन ही दिया जाए ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है। अंदर वाले की जगह पे टी पुट कर देंगे, क्योंकि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री, तो वो प्रेजेंट है वहां पे, मतलब एक तरीके से देखा जाए अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3, वो भी जाएगा ना।
यहाँ पे अंदर में जो था 1 प्लस x की पावर 4 बाय 3 उसकी जगह पे t, तो ये 4 बाय 3 इनटू x की पावर 1 बाय 3 dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा dt, तो x की पावर 1 बाय 3 dx इज इक्वल टू ये 3 बाय 4 dt, तो ये इंटीग्रेशन है, ये t की पावर में ये 3 बाय 4 इनटू t की पावर में 1 बाय 7 dt आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 बाय 4 टी की पावर में 8 बाय 7 अपॉन 8 बाय 7 प्लस सी, ये आने वाला है 21 बाय 32 टी की पावर में 1 मीन्स इसकी पावर में 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 3 की पावर में 8 बाय 7 प्लस सी, ठीक है ये हो जाएगा। पिछले वाले रिजल्ट के यानी इस रिजल्ट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं। अभी पिछला वाला x की पावर 4 वाला ये वाला कॉमन निकालने वाला, यहां पे लिखो क्वेश्चन ये है 1 माइनस x स्क्वायर, ये अब ऊपर में 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर में x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx। एंपल के लीनियर वाले लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक वो वाला रिजल्ट भी यहां पे यूज होगा, लेकिन वो बहुत लास्ट में आएगा, होते स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 है, फिर वहां पे ऊपर में 1 प्लस x स्क्वायर है, नीचे में 1 माइनस x स्क्वायर है, तो कहां से क्या क्या बाहर ले है सब्स्टिट्यूट करने जवाब हमें कुछ होता है, ये सोचो थोड़ा। इसका क्या फायदा, 1 अपॉन x की पावर 4 बचा रहेगा, इसका क्या फायदा, हां हां x स्क्वायर, चलो x स्क्वायर बाहर निकाला, वो क्या बन के बाहर आएगा, x बन के बाहर आएगा, x ही बाहर आएगा, तो उसे डिवाइड करते हैं, तो उसे डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या क्या होगा, तो उसे डिवाइड करते हैं, हाँ वो तो करना है ना, लेकिन वो फॉर्म तो लाना है पहले, इधर ऑनलाइन क्या करेंगे बताओ, ऊपर से तो x स्क्वायर बाहर लेंगे, वो किसका डिफरेंशिएशन, x माइनस 1 बाय x का डिफरेंशिएशन, तो नीचे में x माइनस 1 बाय x से लाना है हर जगह, कैसे लाए, वो तो कन्वर्ट करना है, कैसे लेके कहां से क्या कॉमन ले तुम बताओ, ऊपर से तो x स्क्वायर बाहर आएगा, सर देखो x स्क्वायर बाहर आएगा, प्लस माइनस
यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x square, तो वो x बन के बाहर आएगा, ये x square plus one by x square plus one, इसके बाद एक x cancel out होगा, एक बचा रहेगा, फिर उसके बाद नीचे लेंगे और क्या करेंगे उसका, तो वही मतलब यहाँ से एक x बाहर लेना है, यहाँ से एक x बाहर लेना है, यहाँ से जब तुम एक x बाहर लोगे तो ये x square पे आ, ये x वह एक x बचा ऊपर में, तो यहाँ से भी एक x बाहर, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1 by x minus x under root, यहाँ पे अब x minus 1 by x का differentiation ऊपर में, तो अंदर में minus 2 plus 2 करेंगे, ये आ जाएगा। अब उसके बाद x minus 1 by x की जगह पे t, तो उसका differentiation ये है, ठीक। अब ये integration क्या बन जाएगा, dt upon, ये minus t बनेगा क्योंकि हमने x minus 1 by x की जगह पे t put किया, तो ये minus t, और under root के अंदर में क्या बचा रहेगा, t square plus 3, तो ये देखो ये कौन सा form है, linear into under root quadratic, तो ऐसे केस में हम क्या put करते हैं linear की जगह पे, अरे नहीं 1 by z, अभी t तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसकी जगह पे put करेंगे 1 by z, तो t की जगह पे अब हम यहाँ पे put करेंगे 1 by z, तो dt is equal to आ जाएगा minus 1 by z square dz, तो इसका माइनस और ये वाला माइनस है, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा dz upon z square, ये t की जगह पे 1 by z, एंड यहाँ पे 1 by z square plus 3, है ना, t की जगह पे 1 by z put किया, तो ये 1 by z square plus 3, तो एक z है यहाँ पे, LCM लेने के बाद एक z जाएगा, तो ये जो है वो बन जाएगा dz upon under root 3z square plus 1, इतना बस बचा रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod root 3z plus under root 3z square plus 1 mod complete plus 3 upon root 3, क्योंकि z का कोएफिशिएंट root 3 है, तो upon में root 3, अब z की जगह पे पुट करेंगे 1 by 2, t की जगह पे पुट करेंगे x minus 1 by x, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इधर ऑनलाइन क्या किया है, हां सर, चलो लिखो, कोई और मेथड नहीं है। अगला है
क्या करें अगले में, ये तो उससे भी बड़ा ना, उधर तो दिख भी जाती थी चीजें, x स्क्वायर लेना है 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर तो x माइनस 1 बाय x ही लाना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे सोचो क्या करे, वो तो ले लिया x स्क्वायर फॉर्म, फिर उसके बाद अंदर में x प्लस 1 बाय x बन गया। अब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो उधर में प्रेजेंट होना चाहिए ना, ऊपर में तो x अगर x भी अगर कॉमन ले लिया तो वो 1 माइनस 1 बाय x आता है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, लेकिन वो ऊपर में x स्क्वायर माइनस x आएगा, तो x स्क्वायर कॉमन लोगे तब भी वो 1 माइनस 1 बाय x ही आएगा। बॉम्बे लिखा हुआ है तब बताओ, छोड़ दो अब, छोड़ दो क्या आईआईटी बॉम्बे छोड़ दो, मैंने बोला एक ही क्वेश्चन है और यही एक क्वेश्चन है, हमारा और कुछ भी नहीं है वहाँ। सोचो हाँ, रूट एक्स से तुम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे उसको, वो तो पता नहीं वहाँ चले जाओगे, ज्यादा खतरनाक चीजें हो जाएगी। यहाँ से x square common लेना, ये तो तुमने देखा, चलो सही है, अंदर में x plus 1 by x बनेगा। अब x plus 1 by x का differentiation ऊपर में होना चाहिए, वो होता है 1 minus 1 by x square। अब ऊपर में कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ताकि अगर हम x square बाहर लेंगे तो वो बनेगा। x plus 1 से multiply divide करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1 एंड नीचे में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, छह में अब ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x dx, ऊपर से x स्क्वायर बाहर, यहां से x स्क्वायर बाहर लिया तो x बन के बाहर आएगा। अब यहां पे सोचना है थोड़ा सा, इसको जब एक्सपांड करोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये x cube plus x square plus x, तो यहाँ से x square बाहर आएगा और यहाँ से क्या बाहर लेंगे, x, यहाँ से x बाहर लेंगे और ऊपर से x square, तो वो x square cancel out हो जाएगा और बन जाएगा आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो form बन जाएगा फिर कौन सा, linear into under root linear वाला form बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ से x बाहर ले दो, यहाँ से x square बाहर ले दो, तो वो x बन के बाहर आएगा, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ऊपर से x square, तो ये 1 minus 1 by x square, यहाँ पे x plus 1 by x plus 2 ये बनेगा and under root के अंदर बनेगा x plus 1 by x plus 1, ठीक है, तो यहाँ x plus 1 by x की जगह पे t put किया तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में था, तो ये पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t plus 2 under root t plus 1, तो लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर, इसमें क्या करते हैं, जो ये लीनियर होता है उसकी जगह पे पुट करते हैं z स्क्वायर, तो यहां से dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2z dz, तो ये इंटीग्रेशन 2z dz अपॉन ये t कितना आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1, तो t प्लस 2 हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 टू z, तो ये z z गया, z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कितना इसका tan इनवर्स, इसके बाद तो हो जाएगा और आगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आ जाएगा यहां पे tan इनवर्स z plus c, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स z हमने किसकी जगह पे पुट किया है, तो ये आ जाएगा यहां पे अंडर रूट t plus 1 plus c एंड t मींस द x plus 1 by x plus 1 plus c, ठीक
कभी कभी क्या होता है ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके हमें ये मिल जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत गंदा होगा, वो भी नहीं जा सकते हैं। करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन फंसोगे उसमें। देखो पहले tan इनवर्स का, फिर अंडर रूट का, फिर अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का, मतलब चेन रूल लगेगा दो बार। डिफरेंशिएट करने के बाद भी इस फॉर्म में आए वो जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ अरेंज करना होता है। एमटी ने क्या मेरा फिर अरे नहीं रे ऐसे क्या मतलब देखते हैं हम छोड़ देना देखते हैं हम छोड़ देना लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा तो सोचना एक मिनट लास्ट उसको रखने के बाद मेंस में तो ऐसा थोड़ी देंगे मेंस में ऐसा हां लास्ट के लिए रख देते हैं ओके कोई भी फंक्शन लेके उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बस वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। हां इंटीग्रेबल भी देंगे देंगे भी नहीं वैसे हो गया। अब उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन आज डिस्कशन का था ना अपना सेक्शन एबीसी कर लिया है तुम लोगों ने। टाइम कितना बाकी है अभी? आधा घंटा है, 15 मिनट के बाद उसका डिस्कशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले हमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं ये समझना जरूरी है। ये जो होता है ना एफ ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ये रैशनल फंक्शन होता है, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कहते हैं रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन। वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इम्प्रॉपर होता है और एक प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होती है, एंड प्रॉपर मतलब क्या होता है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें कैसे फंक्शन चाहिए होते हैं, प्रॉपर, जिसमें नीचे वाले की डिग्री क्या है, ज्यादा है। तो इसमें पहले तुम लिख लो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर लोकेश पाटिल f of x and g of x are two polynomial functions f of x and g of x are two polynomial functions then f of x upon g of x then f of x upon g of x is called as f of x upon g of x is called as rational function called as rational function if degree of f of x is greater than degree of g of x then it is called as is called as
इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, then it is called as improper rational function। and दूसरा लिखो तुम जिसमें डिग्री g of x से ज्यादा होगी उसको कहेंगे proper rational function। एक मिनट में आया मैं। सर आपका माइक ऑफ है। आवाज ही नहीं आ रही, अभी तक बोल ही नहीं रहा था कोई कुछ। अब आ रही है? हाँ सर। हाँ एक मिनट यहाँ। चलो यहाँ पे ये इस तरीके का कैसा है जी ऑफ एक्स, इसमें लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो ये एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, ऐसे इस तरीके का है। ठीक है, तो इस केस में इस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू, फिर उसके बाद ए थ्री अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री, और इस तरीके से चलता जाएगा। और हम ये ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर पहले हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, बाद में करेंगे कोएफिशिएंट्स को रिलेट। ठीक है, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ए वन के साथ कुछ आएगा, ए टू के साथ आएगा, ए थ्री के साथ आएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करवाएंगे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे, वहां से हमें मिलेगी ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू। वो एक बार मिल गया तो ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये ऐसे फंक्शन।
अगर हम f of x upon g of x को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, a1 a2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ln x minus alpha 1 ln x minus alpha 2, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये प्रॉपर है, यही हम मान के चल रहे हैं। इन प्रॉपर रहता तो पहले प्रॉपर लाते फिर उसके बाद आगे बढ़ते। नीचे लिख देना, हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, हियर वी विल गेट वैल्यू ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। By comparing coefficients, ठीक है। अब अगला, ये तो g of x क्या हो गया, linear factors का product आ गया, जिसमें कोई भी linear factor repeated नहीं, मतलब उसकी power में one one है, एक ही बार आ रहा है। अगर g of x ऐसा है, g of x is equal to x minus alpha one की power k, मतलब k बार repeat हो रहा है, k बार multiply हो रहा है, ये रहता है ना, आगे में फिर x माइनस अल्फा टू x माइनस अल्फा थ्री आगे वाले एक एक बार आ रहे होते हैं। तो उस केस में g of f of x अपॉन g of x को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, a1 अपॉन x माइनस अल्फा वन प्लस a2 अपॉन x माइनस अल्फा वन का स्क्वायर, ठीक है, फिर a3 अपॉन x माइनस अल्फा वन का अल्फा वन का क्यूब, ऐसे ही ए के अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन के पावर के, जब तक उसकी पावर के ऐसे में तब तक हम देते जाएंगे, उसके बाद अब वो एक एक वाले आ जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, बी वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू प्लस बी टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री और चलता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेट, ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, बस हमें वैल्यू जिसकी निकालनी है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंपेयर करके, ठीक है। देखो आवाज आ रही है ना तुम्हें? हाँ सर, वीडियो ठीक है, अगला लिखो, ये तो क्या हो गया, इसमें लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, अब टू डिग्री वाले भी फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे g of x ये है x square plus
ए स्क्वायर इस टाइप के एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा है जी ओ पे, इसमें क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर मान लो इसके बाद लीनियर भी आ जाता तो चल जाएगा माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके ऊपर ये इस तरीके का फॉर्म आना चाहिए एक्स प्लस बी, उसके बाद दिक्कत नहीं है, उसके बाद आ जाएगा ए वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन ए टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू जैसे लीनियर भी लिखा। लेकिन जब नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर में इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वहां पे के तक लेके जाएंगे, फिर आगे बी के वाला। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पूरी पार्ट, बाकी कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी मॉड्यूल और डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी। तो एक्सरसाइज वन पार्ट वन इंडिफाइनाइट का डिस्कशन है। एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन ए, ए वन बन गए, ए टू डाउट है क्या बोल रहे हो सर्कल, ये थ्री एंड फोर। अब इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, ये अगर होता है टू साइन ए कॉस बी तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर ये होता है टू कॉस ए कॉस बी तो ये आ जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड यहाँ पे टू साइन ए साइन बी तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसकी हेल्प से वो हो जाएगा। तो वहां पे क्या था साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स है तो साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन माइनस एक्स, है ना। या तो पहले क्या आ जाएगा साइन फाइव एक्स आ जाएगा एंड फिर उसके बाद प्लस साइन माइनस एक्स क्योंकि टू एक्स माइनस थ्री एक्स, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगले वाले में वही पहले इसको ले लो तुम एक साथ, क्या कहते हैं ये टू साइन एक्स को बाहर रहने दो, टू कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस थ्री एक्स बाई टू इनको एक साथ ले लो तो टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्म वो ये आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद साइन एक्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्म बन जाएगा। सेक्शन बी हो गया, कोई डाउट नहीं है। सेक्शन सी, सी वन का सिक्स टू एक्स क्यूब इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करना आसान ना हो सर, तो आ ही नहीं रहा। अरे उसको एक्स क्यूब को स्प्लिट कर लो ना दो में सर, टी टू की पावर डिवाइड हो गया अलग, ये दोनों टू एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टू एक्स डी एक्स ही दे दो यहाँ पे किया, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह पे t, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो यही है तो t into e की पावर t dt हो जाएगा भाई।
ठीक है, और कोई इसमें तो तुम्हारा सी टू है, सी टू में सर्कल है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव होता है और ये किया हुआ हमने बाय कैंसिलेशन, ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं ln of ln x plus 1 upon ln x का स्क्वायर, ठीक है, ये बाय कैंसिलेशन से। वो e फॉर्म में इसे पास कर रहा है, वो किसलिए गिवन है, c की वैल्यू निकालने के लिए वो गिवन है। फिर उसके बाद पार्ट टू सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सी फोर, सी फोर में एक्स इंटू एल एन एक्स अपॉन सेफ, और इसके टर्म्स में लिख रही है चीज एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई टू की पावर में डी एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तुम ये फंक्शन डायरेक्टली अगर करना है इस पूरे को, ये एल एन एक्स दो फंक्शन के फॉर्म में, तो ये यहाँ पे फर्स्ट और ये यहाँ पे सेकेंड, और ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल इन सेंस में एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है फाइव पास, ठीक है, हो गया बाकी का, ठीक है। उसके बाद तुम हम सेक्शन डी कर सकते हो, पूरा सेक्शन डी करके रखना, कल डिस्कस करेंगे उसको, कल मोस्ट प्रोबेबली खत्म करने की कोशिश करेंगे, बचा रहेगा तो वो रिडक्शन फॉर्मूले बचे रहेंगे, पावर एन वाले वो बचे रहेंगे, वो बाद में देख लेंगे अपन मंडे के लिए, मंडे को अपना मोस्ट डिफाइनेट शुरू हो जाएगा, चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।